गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात किया था राजस्थान के अंदर जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और फ्यूल मिनरल्स, यानी कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा जो पार्ट था ईंधन खनिज के रूप में, जिसमें पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बात की थी राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले मेटालिक मिनरल्स यानी के धात्विक खनिजों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लौह अयस्क, तांबा अयस्क, टंगस्टन, सोना ऐसे खनिजों के बारे में हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और हम उसके बाद बात कर रहे थे नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि अधात्विक खनिज, जो ऐसे खनिज जिनमें किसी भी धातु की प्राप्ति नहीं होती है उन खनिजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी एस्बेस्टस खनिज के बारे में। एस्बेस्टस खनिज की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी ये एस्बेस्टस का जो उपयोग होता है ये सीमेंट के चारों का निर्माण किया जाता है, टाइल्स का निर्माण किया जाता है और फिल्टर्स का निर्माण किया जाता है, इसको मिला के बॉयलर्स बनाए जाते हैं और साथ ही साथ जो तापमान को रोकने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन सभी के निर्माण में इस खनिज का उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस खनिज का। और इसके उत्पादन के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि इसका उत्पादन राजस्थान के जिन जिलों में किया जाता है वो जिले उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, इन सभी जिलों के अंदर एस्बेस्टस खनिज का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो उदयपुर जिले की बात करें हम, तो यहाँ पर इसके कई क्षेत्र हैं, जैसे एक क्षेत्र इसका होता है झाड़ोर, बरौनी, किरण, जाजर की बात, यहाँ पर मुख्य रूप से उदयपुर में एम्फिपोलाइट किस्म का जो एस्बेस्टस है उसकी प्राप्ति यहाँ पर की जाती है, जिसके क्षेत्र कौन से हैं, जाड़ोर, कीरत, जांजर की पाल, बारोमी, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से एम्फिपोलाइट किस्म के एस्बेस्टस खनिज का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही रिकवरी क्षेत्र के अंदर जो एस्बेस्टस प्राप्त होता है वो ट्राइसोलाइट किस्म का होता है। दूसरा इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, रिकवरी क्षेत्र है, जहां पर ट्राइबोलाइट जो किस्म है एस्बेस्टस खनिज की उसका उत्पादन इसमें किया जाता है। अन्य क्षेत्र इसका जो और है उदयपुर में वो है ढलाना और वास क्षेत्र है, जहां से
इसके बाद नेक्स्ट खनिज की हम बात कर रहे हैं, वो खनिज है फिल्सपात खनिज।
नेक्स्ट है धातु खनिज यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल जिसका नाम है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार खनिज ये एक विस्तृत नाम है खनिज का जो सामान्य रूप से अल्काली एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज जो वर्ग हैं इनके लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। यानी कि अल्काली एल्युमिनियम और सिलिकेट खनिजों का एक वर्ग जिसके लिए फेल्डस्पार शब्द को उपयोग में लिया जाता है। व्यापारिक फेल्डस्पार जो है पोटाश स्तर और सोडा स्तर का मिश्रण होता है जिसे व्यापारिक फेल्डस्पार के नाम से जाना जाता है। देश के अंदर यानी कि पूरे भारत देश के अंदर जो फेल्डस्पार का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 61% यानी कि 61% जो पूरे देश के कुल उत्पादन का भाग है वो मुख्य रूप से राजस्थान से ही प्राप्त होता है। और इस खनिज की जो प्राप्ति है ये मुख्य रूप से जो अभ्रक की खदान होती है माइंस होती है उनसे सह उत्पाद के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। यानी कि ज्वाइंट रूप में इसका प्रोडक्शन होता है किसके साथ अभ्रक की खदानों से। तो इस तरीके से फेल्डस्पार एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में है राजस्थान के अंदर जिसका मैक्सिमम कहें हम बहुत अधिक पार्ट इसका राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में इसके उत्पादन जिले की बात की जाए तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो फेल्डस्पार का उत्पादन करने वाला जिला है वो है अजमेर जिला। यानी कि अजमेर जिले के अंदर राजस्थान का बहुत अधिक मात्रा में फेल्डस्पार का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। अजमेर जिले में मकरेरा से लेकर के मकरेरा जो क्षेत्र है यहाँ से जो कहाँ पे है अजमेर जिले में है इस मकरेरा क्षेत्र से राजस्थान का जो उत्पादन होने वाला फेल्डस्पार है उसकी लगभग 96% मात्रा इस मकरेरा क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। यानी कि राजस्थान के कुल उत्पादन का लगभग 96% फेल्डस्पार का जो प्रोडक्शन है ये केवल और केवल अजमेर के मकरेरा क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। अजमेर के अंदर इसकी मुख्य खान है। इसके अलावा इसकी जो अन्य खाने हैं वो अलग अलग जिलों में है। जैसे अगर बात करें जयपुर जिले के अंदर जयपुर जिले में जयपुर जिले में भी इसका प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है जो मुख्य रूप से डूंगरवाड़ा दादिया बांदेर बेंद्री अजमेर के हल जयपुर के क्षेत्र हैं। डूंगरवाड़ा दादिया बांदेर बेंद्री मंदोती अमरपुर बोराड़ा जहां से जयपुर जिले में
फिर इस बार का प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र है पाली जिले के अंदर। पाली जिले के अंदर जो इसके उत्पाद क्षेत्र हैं फ्रेंड्स पार्क के, वो मुख्य रूप से हैं चावनिया, प्रतापगढ़, सीकोर, उलतपाड़ा, ये पाली जिले के महत्वपूर्ण विस्तार उत्पादक केंद्र हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी खाने जो है वो कई अन्य जिलों के अंदर भी फैली हुई है। ऐसे जिले जिनमें छोटी खानों से भी फिल्म स्टार का प्रोडक्शन राजस्थान में प्राप्त किया जा रहा है, वो जिले टोंक, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, जहां से छोटी खानों से कम मात्रा में फेस बार का प्रोडक्शन वहां पर प्राप्त किया जाता है। इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1955 यानी कि 1955 में फेस बार का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 6,200 टन की मात्रा थी, जो 2010-11 में बढ़ करके लगभग 1,350 टन की मात्रा तक पहुंच गई थी। साधारण रूप में फेल्सपार खनिज का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए, कांच, मीना और आकर्षक जो होते हैं उन सभी का निर्माण करने के लिए इस फेल्सपार खनिज का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाने में, कांच बनाने में, मीनाकारी करने में और जो आकर्षक बनते हैं इन सभी के निर्माण में फेल्सपार का उपयोग मुख्य रूप से फेल्सपार का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये बात थी राजस्थान के अंदर फेल्सपार खनिज के बारे में। इसके बाद में जो लोह धातु अधातु जो खनिज हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो अधातु तो होते ही हैं, यानी कि कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, उनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ ये अधातु जो खनिज हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और आणविक रूप में भी इन खनिजों को बांटा गया है। तो आगे हम बात कर रहे हैं ऐसे अधातु खनिजों के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिजों के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं, जो मुख्य रूप से अधातु खनिजों की श्रेणी में ही आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिजों के रूप में काम में आने वाले अधातु खनिजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपरक खनिज के बारे में।
नेक्स्ट खनिज है माइका, यानी कि अभ्रक खनिज। अभ्रक जो खनिज है ये मुख्य रूप से आर्य चट्टान और कायमित यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं। अभ्रक जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभ्रक खनिज मुख्य रूप से इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, आर्य और जो कायमित चट्टानें हैं इनमें सफेद और काले अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जैसे अभ्रक खनिज की प्राप्ति होती है। यानी कि अभ्रक की जो प्राप्ति है ये मुख्य रूप से आर्य चट्टानों से और कायमित चट्टानों से टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से सफेद और काले अभ्रक के टुकड़ों के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। सफेद अभ्रक जो होता है उसको तो रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सफेद टुकड़े होते हैं उनको तो रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है और जो दूसरे टुकड़े होते हैं जो काले टुकड़े जिनको बोल रहे हैं ये टुकड़े यानी कि हल्का गुलाबी पन लिया हुआ जो अभ्रक के टुकड़े होते हैं इनको इनको पारिवारिक अभ्रक के नाम से जाना जाता है। यानी कि अभ्रक की जो प्राप्ति होती है ये दो रूप में होती है, एक सफेद टुकड़े में और एक काले टुकड़े के रूप में। काले टुकड़े वाला जो होता है ये हल्का गुलाबी रंग लिया हुआ होता है जिसे पारिवारिक अभ्रक के नाम से जाना जाता है और जो सफेद अभ्रक के टुकड़े होते हैं इनको रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में विद्युत संबंधी जो उद्योग है जो बिजली से संचालित होने वाले हैं और उसका उत्पादन करने वाले जो इंडस्ट्रीज में उद्योग हैं इनमें अभ्रक एक अपरिहार्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। अभ्रक के बचे हुए चूरे से चाकों का निर्माण किया जाता है और इस यानी कि जो चाकों के निर्माण करने वाला जो उद्योग है उसको मार्केनाइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्केनाइट क्या है कि अभ्रक का जो बचा हुआ चूरा होता है उस चूरे के द्वारा जो चादरों का निर्माण किया जाता है उन्हें उस उद्योग को मार्केनाइट उद्योग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर जो खनिजों की उपलब्धता है उन खनिजों में बहुमूल्य जो खनिज हैं उनमें अभ्रक का मुख्य स्थान माना जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो उपलब्ध खनिज है उनमें अभ्रक खनिज एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में है। यहाँ पे देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% खनन करके दूसरे स्थान पर यहाँ इस राज्य का स्थान होता है। यानी कि पूरे देश के अंदर जो कुल उत्पादन होता है माइका का अभ्रक का उसका लगभग 25% जो है वो राजस्थान राज्य से प्राप्त किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है और इस प्रोडक्शन के आधार पर ही राजस्थान राज्य पूरे देश के अंदर अभ्रक के उत्पादन में दूसरे स्थान के ऊपर आता है। राजस्थान के अंदर अभ्रक की लगभग 225 खाने यहाँ पर
फैली हुई है, उनका विस्तार है। और अपरब्ध प्रोडक्शन की बात की जाए तो 2010-11 के अंदर 6000 टन का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ था, जो 1990 के समय में इसकी कुल उत्पादन की मात्रा केवल 470 टन की मात्रा होती थी। और इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि समय के साथ साथ इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही, जो 2010-11 के समय में 6000 टन तक पहुंच गई। इस तरीके से वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका उसमें कुछ गिरावट आई है, कमी आई है। राजस्थान में अपरक उत्पादन का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे अपरक का उत्पादन किया जा रहा है, ये पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जो राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा से लेकर के साउथ वेस्ट यानी के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये अपरक की पेटी राजस्थान में फैली हुई है, जहाँ से अपरक का उत्पादन किया जाता है। और ये पेटी को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसकी जो अपरक उत्पादन पेटी है ये राजस्थान में यानी कि माइका प्रोडक्शन बैल्ट जो है उत्तर पूर्व दिशा से लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। माइका प्रोडक्शन बेल्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है, जो कहां तक फैली हुई है साउथ वेस्ट तक। और ये पेटी राजस्थान के अंदर इस पेटी को दो भागों में बांटा गया है। पेटी को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पेटी है उत्तरी पूर्वी अपरक पेटी के रूप में यानी कि नॉर्थ ईस्ट माइका बेल्ट, उत्तरी पूर्वी अपरक पेटी के रूप में नॉर्थ ईस्ट माइका बेल्ट के रूप में ये पेटी के अंदर टॉप और दक्षिणी जयपुर जिले को शामिल किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो क्षेत्र आ रहा है वो मुख्य रूप से टॉप जिला और जयपुर का दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी जयपुर जिले को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और टॉप जिले की जो मुख्य थाने हैं वो बरला, मारवाड़, शंकरवाड़ा, बारचोरा, मेराऊ, धौली, बारौनी और पावरी थाने में जहाँ से अपरक का उत्पादन टोंक जिले में प्राप्त किया जाता है। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो अपरक का उत्पादन है वो बंजारी और लक्ष्मी की खानों से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, जो दक्षिणी जयपुर के अंतर्गत आता है उसमें बंजारी और लक्ष्मी की जो खान है वहां से अपरक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात आती है दूसरी पेटी के बारे में, जो पेटी है दक्षिणी पश्चिमी अपरक पेटी।
दक्षिणी पश्चिमी अग्रक पेटी। दक्षिणी पश्चिमी अग्रक पेटी जो है ये अमृत उत्पादन में एक महत्वपूर्ण पेटी के रूप में है। इस पेटी के अंदर जो जिले आते हैं उनमें मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिला और उदयपुर जिले की जो खान है वो इसके अंदर मुख्य खान के रूप में है। जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है जिसे दक्षिणी पश्चिमी आगरा पेटी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो खान है वो भीलवाड़ा और उदयपुर जिले की खान को इस दक्षिणी पश्चिमी आगरा पेटी के अंदर शामिल किया गया है। इस पेटी में मुख्य रूप से भीलवाड़ा की जो खान है नाथ की नेरी, तुनका, सिंद्रियास, चापरी, रतनभागा, भानकिया, बंजारी, घोगास, गोरखन, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, धावमंड, ये इसकी महत्वपूर्ण खाने हैं जो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत हैं। और उदयपुर में जो इसकी खान है चंपागुड़ा, धोलामेत्रा और गालवा, ये उदयपुर जिले के अंदर इसकी उत्पादन शामिल है। ये सभी खाने उदयपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा के ऊपर स्थित हैं और ये पेटी भीलवाड़ा की खानों से आगे बढ़ते हुए उत्तर दिशा की ओर फैलती हुई चली गई है। तो ये महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं अभ्रक के जो राजस्थान के अंदर हैं। दो भागों में, एक है उत्तरी पूर्वी अभ्रक पेटी के रूप में और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी अभ्रक पेटी के रूप में। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां से राजस्थान में अभ्रक का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे सीकर में है। सीकर के उत्तरी पूर्वी भाग में कुछ खान है जहाँ से अभ्रक का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें तेरावाटी तहसील जो है इसके अंदर काचारड़ा, मकरी और मुंडा की खान जिनसे प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। इन खानों से ही अभ्रक जो है हरी किस्म की प्राप्त होती है। कुछ खाने जो हैं वो छोटी हैं जिनका विस्तार मुख्य रूप से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, अलवर, पाली जिलों के अंदर भी फैला हुआ है। राज्य से निर्यात होने वाली जो अभ्रक है उसमें से अधिकतर जो दराती नुमा काला अभ्रक होता है उसी को अन्य राज्यों की ओर, अन्य क्षेत्रों की ओर निर्यात किया जाता है। पूरे देश के अंदर अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान राज्य का जो स्थान है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद में पूरे देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है। तो ये बात थी अपनी अभ्रक के बारे में, अभ्रक खनिज के बारे में जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्रेणी में इसको रखा गया है, जिसका उपयोग विद्युत संबंधी उद्योगों में, चाहतों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस क्लास के अंदर हमने बात की है अभ्रक के बारे में और फील्डस्पार और एस्बेस्टोस खनिजों के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब तक खनिजों के बारे में, बाकी जो अन्य खनिज हैं उनके बारे में हम अपनी आगे की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को हम ये रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले खनिजों के बारे में बात करेंगे।